युवा ने इस भारत देश के अंदर जन्म लिया जिसके अंदर 70 करोड़ युवा है जापान देश ने। आज जापान देश जो है तकनीकी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है, लेकिन जापान के पास जो कमी है वो है युवाओं की कमी, और हमारे देश के अंदर युवाओं की कोई कमी नहीं है साथियों। आज जरूरत है, राजनीति को भी जरूरत है, आज युवाओं का योगदान हमें भी चाहिए राजनीति को जो है एक अच्छा देश बनाने के लिए, एक अच्छा देश बनाने के लिए युवाओं का योगदान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथियों आज यहाँ आपने इतना स्वागत किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम हैं छछरौली में, यहाँ पर कांग्रेस नेता गुरपाल सिंह पन्नू ने यहाँ एक किसी सभा का आयोजन किया, बहुत सारे यहाँ पर युवा लोग एकत्रित हैं, तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका यहाँ एकत्रित होने का क्या मकसद है। नमस्कार गुरपाल जी। जी नमस्कार। हाँ गुरपाल जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो आपने यहाँ सभा एकत्रित की है, यहाँ बहुत सारे युवा लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के पास का एरिया, आप यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या आपका मकसद? पहले तो सभी को नमस्कार, और जो आज आने का उद्देश्य था कोई खास उद्देश्य नहीं था। टीम दीपिंदर हुड्डा, ये एक ग्रुप बना था टीम दीपिंदर हुड्डा, इन्होंने कहा कि भाई आपने हमसे जरूर मिलना है, तो मैंने कहा भी जरूर आज वहाँ से निकलूंगा तो आपको जरूर मिल के जाऊंगा। तो ये उद्देश्य हमारा आज आने का था। ये संगठन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जो नशों को छोड़ के एक अच्छा काम करने का काम ये कर रहा है। नशों को त्याग दिया इन्होंने, और जो है नशे छोड़ के हमारा युवा अगर अच्छी तरफ जाता है तो मुझे खुशी है कि हमारा युवा जो है एक अच्छा काम करने लग रहा है। आपको पता है किसान की क्या हालत हो चुकी है, बड़े बड़े वादे मिले हैं, दिए गए हैं, बड़े बड़े जुमले दिए गए हैं, आप सबसे यहाँ युवा खड़े हैं। एक वादा किया गया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 9,000 रुपए, आप सभी साथी खड़े हैं, किसी को 9,000 रुपए मिला भाई? हाथ खड़ा करके बता दो किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला भाई? नहीं मिला, तो भाई झूठे वादे बहुत हुए, लेकिन आज कोई उद्देश्य नहीं है सरकार के खिलाफ, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि सब आप समझदार हो। क्या हम इसे राजनीति से प्रेरित कोई सभा? जी नहीं, इसको कोई राजनीति से प्रेरित कोई ऐसी सभा नहीं है, ये युवा जोश है, और मैं चाहता हूँ युवा जो है देश का भविष्य है, युवा देश के साथ देश की रीढ़ की हड्डी है युवा, और जो आज जरूरत है देश को युवा की। आज की राजनीति में आप मेरे से अच्छा जानते हैं कि राजनीति में क्या चल रहा है, तो राजनीति के अंदर देश के अंदर युवा जो है ताकत है, और मैं इससे बहुत प्रेरित हूँ, और इन सभी युवा साथियों को बधाई देता हूँ कि आज इतनी संख्या में एकत्र हुए और स्वागत किया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो काम आज के समय में भाजपा सरकार कर रही है वो आप सभी जानते हैं, कोई कहने का उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी वो करें, या जो है 2019 के अंदर वोट की चोट से जनता बताएगी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी होंगे। भविष्य में भी आप कोई ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो? जी बिल्कुल, जहां भी मुझे युवा साथी बुलाएंगे मैं वहां पहुंचूंगा, युवा साथियों का सम्मान करता हूं, युवाओं का भाई हूं, इन सब का भाई हूं, जहां ये कहेंगे वहीं इकट्ठा होऊंगा, जहां कहेंगे वहीं पहुंचूंगा। धन्यवाद।